अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट कबीर एंड वेलकम टू आवर चैनल टेक्टिक उर्दू हिंदी। हर दफ़ा की तरह आज फिर से हम आपके लिए लाए हैं एक न्यू वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलते हम अपनी वीडियो की तरफ, चलिए आइए जी। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने वीडियो मुकम्मल ना देखी तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी वीडियो। अपनी पिक्चर को DSLR की तरह बैकग्राउंड ब्लर करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन करना पड़ेगा। जैसे ही आप प्ले स्टोर ओपन करेंगे, यहाँ पे सर्च बार आ जाएगा। सर्च बार में लिखना है आपने आफ्टर फोकस। जब आप टाइप करेंगे तो सेकेंड नंबर पर जो ऑप्शन आ रहा है जिस पर AF लिखा हुआ है, ये वाला मोशन वन, इसके ऑथर हैं ये। इसकी 10 मिलियन डाउनलोड्स हैं। आप इसके कमेंट ज़रूर पढ़िएगा, जितने भी लोग थे सेटिस्फाइड थे इससे। रेटिंग इसकी 4.2 है, फोटोग्राफी के लिए यूज़ होता है। तो इस सॉफ्टवेयर से आप अपनी वीडियो को, अपनी बैकग्राउंड को बहुत अच्छे से DSLR की तरह जो प्रिंट होता है उस तरह ब्लर कर सकते हैं। मैं सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर चुका हूँ अपने मोबाइल में, आप भी इसे इंस्टॉल कर लिए। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का आइकन शो होगा, AF लिखा होगा और शटर बना हुआ है वाइट कलर का, बैकग्राउंड पे ब्लैक लेंस है। ओपन करते हैं इसे, देखते हैं कि किस तरह का ब्लर करता है। आपको मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ इस तरह आपके पास ओवरव्यू आ जाएगा, आफ्टर फोकस लिखा होगा, मोशन वन का सॉफ्टवेयर है। प्रोजेक्ट आप बनाना चाहें वो तो हमने तो एक सिंगल पिक्चर एडिट करनी होती है। तो कैमरे से अगर आप सेल्फ़ी लेना चाहते हैं आप सेल्फ़ी ले लें, अगर आपकी गैलरी में पिक्चर सेव है तो आप एल्बम पे क्लिक कीजिए। मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कौन सी पिक्चर जो है हम लोग ब्लर कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी पिक्चर्स मैंने सैंपल के लिए डाउनलोड की हुई हैं, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ पिक्चर। ये पिक्चर हम लोग सैंपल के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं, कंटिन्यू कर दीजिएगा आप। जब आपके पास आ जाएगा तो इस तरह आपके पास पिक्चर आ जाएगी। अब करना ये है, आपके पास यहाँ पे जो आप अपनी स्क्रीन पे जो चीज़ आप क्लियर रखना चाहते हैं उसको आप पहले सेलेक्ट कर लें। ऐसे मैं अपने टच से उसको सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ जो चीज़ मैं क्लियर रखना चाहता हूँ, ताकि ये चीज़ बिल्कुल ब्लर ना हो। इस चीज़ को हल्का सा एक दफ़ा आप आउटलाइन पे फेर दें ताकि वो ब्लर नहीं होगी जगह। अब ये मैंने कर दिया है तो ये जितनी जगह है बाकी रेड ये ब्लर हो जाएगी। मैंने सेकंड ऑप्शन जो है, अब जिस चीज़ को ब्लर करना है उसके लिए मैंने सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है, सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट किया और इस तरह सेलेक्ट कर लिया। देखते हैं अब क्या चीज़, अभी भी जो रेड आ रहा है ये देखिए, रेड आप देख रहे होंगे, रेड जो आ रहा है ये ब्लर नहीं होगा। जितने एरिया पर रेड आ रहा है ये ब्लर नहीं होगा। मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको, जूम करते हैं। ये जो रेड एरिया है इसको मैं ग्रे लाइन का मतलब है कि ये एरिया, अब ये देखिए यहाँ से रेड चला गया, मतलब ये एरिया भी अब ब्लर हो जाएगा। ये मैं पास से भी एक फेर देता हूँ, लेकिन ये बाल पे फिर गया है, अभी इसको सही कर देते हैं। ये इधर भी बाल पे फिर गया है, इसे ऐसे रिवर्स करते हैं और कुछ इस तरह से कर देते हैं। यहाँ पे इसे ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, इस पे फेर देते हैं ताकि बाल ब्लर हो जाएं। और जो ऑलमोस्ट हमारी सारी पिक्चर जो है पूरी सेलेक्ट हुई है। तो अब जो है मैं यहाँ से जब पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ, मेन इसका मकसद ये है कि फ़र्स्ट ऑप्शन जो है ये है ब्लर करने के लिए, ब्लर ना करने के लिए। यहाँ पे से जो वाइट लाइन है ये मतलब ऑब्जेक्ट जो है मैंने ब्लर नहीं करना। अब रहेगी ये ग्रे लाइन में से का मतलब है कि हमने जो चीज़ जिस एरिया को ब्लर करना है वो सेलेक्ट कर लिया। ये एक चीज़ मिस हो गई है, यहाँ पर रेड आ रहा है, इसको कर दिया। अब ओके, परफेक्ट है, सिर्फ ये हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुआ है, बाकी कुछ भी सिलेक्ट नहीं है। तो चलिए यहाँ से नेक्स्ट करते हैं, एक दो सेकंड लेता है।
देख सकते हैं आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरह ये पिक्चर जो है बिल्कुल क्लियर है और बैकग्राउंड बिल्कुल ब्लर हो गया है। यहाँ से आप इसकी शार्पनेस थोड़ी सी और ब्लरनेस ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। फीडर को आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि माइनस सा सेव कर दें तो इससे बिल्कुल DSLR वाली लुक आ जाती है। अब मैं आपको यहाँ पे पहले वाली पिक्चर और बाद वाली पिक्चर दोनों पिक्चर्स दिखाऊंगा ताकि आपको फ़र्क दिख जाए कि कितना फ़र्क आया है पहली वाली और बाद वाली पिक्चर में। ये लेफ़्ट साइड वाली जो है ये पहले वाली पिक्चर और ये राइट साइड जो मोबाइल में शो हो रही है ये एडिट करने के बाद है ये पिक्चर। आप डिफरेंस देख सकते हैं कितना क्लियर डिफरेंस है कि ये बिल्कुल DSLR इफेक्ट जैसी है कि ऑब्जेक्ट हमारा क्लियर है और बैकग्राउंड हमारी टोटली ब्लर हो गई है। आप भी सॉफ्टवेयर से काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं, अपने मोबाइल में ज़रूर इंस्टॉल कीजिए और अपने पिक्चर को DSLR की तरह बना लीजिए बगैर DSLR के मोबाइल सॉफ्टवेयर से। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट में कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। अपने सजेशन ज़रूर दीजिएगा कि आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं। वीडियो के बिल्कुल नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा उसे सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारी वीडियो देखती रहिएगा। थैंक यू।